हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सीआरपीएफ एचईएम यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तरफ से जो आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट आने वाली है उसके बारे में। हाँ तो फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि आप सभी को काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पर देखने को मिला होगा कि सीआरपीएफ एचईएम की तरफ से आप सभी के लिए जो है फ्रेंड्स 800+ वैकेंसी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी को हम पूरे डिटेल्स में बताएंगे कि ये जो वैकेंसी आने वाली है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसमें क्या एज लिमिटेशन मिलेगा और क्या सच में 800+ जो है वैकेंसी आएगी और आएगी भी तो कब आएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी जो है स्किप मत कीजिएगा, आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आता है तो सबसे पहले आप सभी को जो है इन्फॉर्मेशन दे सके। हाँ तो फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि सीआरपीएफ एचईएम का जो वैकेंसी है बहुत दिन हो गए, अभी तक इसका कोई सूचना जारी नहीं है कि एचईएम की वैकेंसी कब आएगी एंड इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इसकी वैकेंसी कब आएगी, इसका नोटिफिकेशन कब आउट होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, आप सभी को ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ऑफिशियल साइट है, इस पर आप सभी को हम लेकर के आ गए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2022 अपकमिंग। ओके, पोस्ट डेट यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, पोस्ट अपडेट ऑन यहाँ पे फ्रेंड्स दे रखा है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इन इनवाइट और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल। ओके, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं हेड कांस्टेबल एलिजिबल मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई सीआरपीएफ एचईएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2022। दो कैंडिडेट हु आर द इंटरेस्टेड टू दिस वैकेंसी एंड हैव ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑन। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे दोनों कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2022 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पोस्ट एम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में समझा रखा है, तो आप लोग यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग डेट यहाँ पे मार्च अप्रैल दिया है, बट अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। बट इसका फ्रेंड्स जो है मार्च अप्रैल में ही इसका वैकेंसी आने वाला था, बट अभी तक कोई सूचना जारी नहीं है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्री लास्ट डेट यहाँ पे कोई भी जो है मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, और यदि इसका फॉर्म आ जाएगा तो आप सभी को पता ही होगा कि इसका एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे 100 रुपया फी रहेगा, एससीएसटी के यहाँ पे कोई भी फी नहीं रहने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट आप सभी को काउंट किया जाएगा फ्रेंड्स 1/1/2022 है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। आप सभी के एज फ्रेंड्स होनी चाहिए मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स आप सभी की एज होनी चाहिए। एंड यहाँ पे जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार आप सभी को एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो आप सभी को देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं अपर एज रिलैक्सेशन बाय 5 ईयर्स फॉर एसएसटी एप्लीकेंट्स एंड बाय 3 ईयर्स फॉर ओबीसी एप्लीकेंट्स। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं एसएसटी के यहां पे जो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है एंड यहां पे ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स का जो मिलने वाला है। ठीक है, टोटल यदि हम वैकेंसी की बात करें तो 875 वैकेंसी आप सभी को आ रही है निकल कर। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट नेम आप सभी को देखने को मिल रहा होगा हेड कांस्टेबल मिनिस्टर टोटल पोस्ट 875। अब यहाँ पे आप सभी को क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं 12वीं पास विथ कंप्यूटर नॉलेज इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट। यानी फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि जब आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप सभी को इसमें 12वीं पास आउट होना जरूरी है। ठीक है, उसके साथ में आप सभी को टाइपिंग कोई एक भी आनी चाहिए, या हिंदी का आना चाहिए आप सभी को टाइपिंग या इंग्लिश का। ठीक है, दोनों में से कोई आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, यदि आप इंग्लिश का टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप सभी को 35 वर्ड पर मिनट आप सभी की स्पीड होनी चाहिए, और यदि आप यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप सभी को 35 वर्ड पर मिनट आप सभी की स्पीड होनी चाहिए, एंड हिंदी में यदि आप अपना टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप सभी को 30 वर्ड पर मिनट आप सभी की स्पीड होनी चाहिए, और टोटल 10 मिनट का आप सभी को वहां पर टाइपिंग करवाया जाता है, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स कैटेगरी वाइज दे रखा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। पोस्ट यहाँ पे एचसीएम दे रखा है, जनरल के लिए 390 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 70, ओबीसी के लिए 210, एससी के लिए यहाँ पे 100, एसटी के लिए 105। यदि हम टोटल काउंट करेंगे तो टोटल 875 यहाँ पे वैकेंसी फ्रेंड्स आने वाली है।
यदि हम हाइट की बात कर ले CRPF फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का PST की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी को यहाँ पे हाइट मांगा गया है ऑल इंडिया मेल कैंडिडेट के लिए 65 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 155 मांगा है। नॉर्थ जोन वालों के लिए यहाँ पे जो है फ्रेंड्स हाइट में बेनिफिट देखने को मिल जाता है 162 मांगा है, फीमेल के 150 मांगा है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और CRPF चेस्ट ओनली मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दे रखा है, आप सभी को नॉर्मल चेस्ट यहाँ पे 72 होनी चाहिए, 72 से 82 और फॉर रिजर्व जो कैंडिडेट है उन सभी को 76 से 81 यहाँ पे रखा गया जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की फ्रेंड्स हम बात करें तो आप सभी को यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाला सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन PST रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, यानी फ्रेंड्स आप सभी को हम यहाँ पे बताते हैं कि आप सभी के यहाँ पे बहुत ही फ्रेंड्स ईजी है CRPF जो है CRPF HCM यानी हैंड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो है भर्ती निकालना बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पे आप सभी को जो है रनिंग नहीं होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे रनिंग नहीं होता है, यहाँ पे आप सभी को केवल PST होता है जिसमें आप सभी को हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को फर्स्ट स्टेज में आप सभी को PST होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट, उसके बाद आप सभी को स्किल टेस्ट, उसके बाद आप सभी को फाइनल मेडिकल हो जाता है, उसके बाद आप सभी को फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है, आप सभी को यहाँ पे रनिंग जो है नहीं करवाया जाएगा मेल या फीमेल जो भी हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे फ्रेंड्स दे रखा है कि आप सभी को जो है फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2022 ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 2022। ठीक है, रीड द नोटिफिकेशन फॉर द मोर डिटेल्स अबाउट CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट, काइंडली फॉर फिल योर बेसिक डिटेल्स एंड अपलोड योर फोटो सिग्नेचर ID प्रूफ एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आप सभी को अपलोड करना होगा जो जो इसमें मांगा रखा है। चेक योर फुल डिटेल्स प्रीव्यू बिफोर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, पे रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी टू कंप्लीट फॉर द आईएफ फीस आर आस्क्ड, टेक ए प्रिंट आउट ऑफ सबमिट फाइनल फॉर्म द फ्यूचर प्रोसेस। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है यदि हम आप सभी को बता दें कि इसका वैकेंसी कब तक आने वाला है, तो फ्रेंड्स इसका अभी कोई ठीक नहीं है क्योंकि CRPF की तरफ से अभी कोई भी सूचना नहीं आया हुआ है कि इसका वैकेंसी जो है कब जारी किया जाएगा, इसका नोटिफिकेशन कब आउट होगा एंड इसका भर्ती कब लिया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि SSC GD की जो वैकेंसी आया हुआ था 2021 में उसमें CRPF GD का भी कोई पोस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं, इसका कोई जो है सूचना नहीं है कि इसका वैकेंसी क्यों नहीं, बहुत ही फ्रेंड्स डिले कर रही है CRPF क्योंकि इसका कोई भी वैकेंसी अभी तक देखने को नहीं मिली। दो तीन साल हो गए हैं अभी तक इसका कोई वैकेंसी नहीं, SSC GD में CRPF का पोस्ट था और नहीं ऐसे जो है आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं इसका यदि कोई भी सूचना आता है तो सबसे पहले आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक फ्रेंड्स जय हिंद।